पर रहते हैं, उनका मेरे पास में फ़ोन आया कि मेरे उसके घर के ऊपर के मकान के ताले टूटे हुए हैं। तो मैंने उसको तुरंत बताया कि आप नीचे जाके एक बार चेक करें कि नीचे वाले पोर्शन के तो नहीं टूटे हैं। वो नीचे आया तो मकान के ताले टूटे हुए थे अंदर। कहाँ गए थे और क्या वारदात? सर मेरे को यहाँ पे मेरा गांव है मकराना के पास में सफ़ेद, तो मुझे वहाँ यहाँ से निकला था मैं 2 बजे के करीब, और वापस मेरे पास में रात को 12:30 बजे मेरे ऊपर रहते हैं, उनका मेरे पास में फ़ोन आया कि मेरे उसके घर के ऊपर के मकान के ताले टूटे हुए हैं। तो मैंने उसको तुरंत बताया कि आप नीचे जाके एक बार चेक करें कहीं नीचे वाले पोर्शन के तो नहीं टूटे हुए हैं। वो नीचे आया तो मकान के ताले टूटे हुए थे अंदर, और अंदर पूरा सामान बिखरा पड़ा था, और मेरे अंदर एक लोहे की गोदरेज की अलमारी है उसके सारे कपड़े बाहर थे, और पूरी अंदर का जो कुछ ज्वेलरी के आइटम थे वो सारे बिखरे पड़े थे, उसमें से चांदी के जितने भी आइटम थे और जो सोने के आइटम थे और जो कैश था वो पूरा गायब था। क्या क्या था आइटम में? आइटम में अराउंड मतलब 9 से 10 लाख का छोटे छोटे आइटम थे, जिनमें से एक मोटा आइटम 5 तोले की एक पैरों की पाजेब थी सोने की, और उसके अलावा 2-2 तोले के शायद 5 से 6 आइटम थे, तो ऐसे करके 12 से 13 तोला सोना होगा। अरे कैश 9,500 के समथिंग था। लगभग कितने का ये पूरा मानते हैं? ये पूरा का मेरे इस नीचे मकान में, मेरे मकान में आप देख लो कि अराउंड निकाल लो, मुझे तो आइडिया नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ 12 से 13 तोला सोना उससे ज़्यादा ही होगा। शिकायत दी आपने? मैंने शिकायत रात को उसी टाइम मैं मकराना से था वहीं से मैंने फ़ोन कर दिया था यहाँ पे। मेरा गांव ये मकान HB नगर है, नाका मदार पावर हाउस के पास में। आपका नाम? हाँ, मेरा नाम ज्ञान सिंह। क्या करते हैं?